नमस्कार एंड वेलकम टू डेस्टिनेशन डायरीज। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है पुणे यूनिवर्सिटी का मेन बिल्डिंग। आज का व्लॉग हम शूट करने जा रहे हैं पुणे यूनिवर्सिटी कैंपस टूर, और इसके पीछे का बैकग्राउंड ये है कि मैंने 6 महीने पहले बिंगमटन यूनिवर्सिटी, जो न्यूयॉर्क के बिंगमटन टाउन में है, उसके कैंपस टूर पे एक वीडियो बनाया था जिसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है, तो उसका लिंक मैं अभी ऊपर दे दूँगा। जो 2000 से ज़्यादा भी व्यूज़ आए हैं, तो वो सामने रखते हुए ये ख्याल आया कि क्यों ना फिर हम हमारी सिटी में, जो कि हमारा एशिया का एक ऑक्सफोर्ड कहलाया जाता है पुणे यूनिवर्सिटी, तो उसका भी एक कैंपस टूर करें। ये मेन एंट्रेंस है, जब हम गणेशखिंड रोड या सेनापति बापट रोड की तरफ से आते हैं तो यहाँ से यूनिवर्सिटी का ये एंट्रेंस से मेन कैंपस शुरू होता है। तो मेन एंट्रेंस से जैसे अंदर आएंगे तो सामने की ओर दो रास्ते हैं जाने के लिए। तो पहले हम लेफ्ट साइड के रास्ते से चलेंगे। सामने जो कुछ ये बोर्ड्स है ये देखते हैं, ये रिसेंटली फ्री बस सेवा चालू हुई है, 3 तारीख को इसका इनॉग्रेशन हुआ है, उसका ये डिटेल है। और ये सेकंड जो बोर्ड है, इस रोड पे अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स अभी हमको दिखाई देंगे तो ये उनका लिस्ट है। तो हम ड्राइव करते करते वो सब देखते देखते हुए आगे जाएंगे। और ये सेकंड रोड है, उसके ऊपर ये और जैसे इकोनॉमी कॉमर्स वगैरह वगैरह, ये राइट साइड वाले रोड पे है। और जो पहले जो दिखाया था लेफ्ट साइड वाला, उधर केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी वो सारा उनका सेक्शन है, तो उस तरफ। तो पहले हम अभी जो लेफ्ट साइड वाला रोड है उससे आगे जाएंगे। तो आगे चलते चलते अभी जो जो सामने आते जाएगा वो मैं यहाँ से दिखाते चलूँगा। आज यहाँ मैराथन का आयोजन किया हुआ था। ये जो दिख रहे सारे स्टूडेंट्स, ये वही ये पार्टिसिपेंट है मैराथन में, जो सामने से अभी ख़त्म हो गया है वो वापिस जा रहे हैं। तो इस तरफ अभी जो दिख रहा है वो है डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी। अब आगे जो आएगा वो है डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, ये लेफ्ट साइड में डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। उसके नेक्स्ट में था वो था डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और ये मैराथन के इस पार्टिसिपेंट अभी भी वापिस जा रहे हैं। और ये बगल बगल में कुछ और दिखता है इक्विपमेंट, और चलते फिरते जिम जो कर सकते हैं उसके लिए कुछ इक्विपमेंट्स लगाया हुआ है। उसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। इसके बाद आगे जो आएगा वो है डिपार्टमेंट ऑफ इसरो स्टडी सेंटर। और इसके बाद अभी सामने जो आएगा वो मेन बिल्डिंग है यूनिवर्सिटी का मेन ऑफिस, लेकिन अब स्ट्रेट हम सामने नहीं जा सकते, लेफ्ट टर्न करके फिर उसका फ्रंट गेट है, वहाँ से एंट्री है, तो वहाँ आगे जाएंगे। तो मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये है पुणे यूनिवर्सिटी का मेन बिल्डिंग,
अब इसका नाम चेंज हो चुका है, इसको अभी सावित्री बाई फुले पुणे विद्यापीठ या पुणे यूनिवर्सिटी के नाम से अभी जाना जाता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये एक ब्रिटिश कालीन स्ट्रक्चर है और ये उस समय अंग्रेज जो यहाँ राज कर रहे थे तो उनका ये कुछ ऑफिस या रहने का कुछ जगह था। एग्जैक्टली आप गूगल करके डिटेल्स ले सकते हैं। तो बाद में आई थिंक 1949 में इसको यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दिया गया है। ये है मेन बिल्डिंग, उसके सामने अभी तो उनका स्टैचू यहाँ लगाया हुआ है, सावित्री बाई फुले, और अभी नाम भी उन्हीं के नाम से ये अभी आगे सिटी को नाम दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ के डिटेल्स है। स्टैचू कब इनॉग्रेट हुआ है उसका डिटेल्स है और ये उनका स्टैचू है। आज कुछ मैराथन रनअप का भी ये था, इसलिए आज लड़के वो सब उस गेटअप में है। कुछ गार्डनिंग है सामने की साइड में और हम अभी बैक साइड में चलेंगे। तो अब हम एक्चुअल बिल्डिंग का जो फ्रंट है उस साइड चलते हैं। इस तरफ देखेंगे तो पूरा लॉन बनाया हुआ है अच्छे से। तो ये बिल्डिंग के लेफ्ट साइड का सेक्शन है जिसमें ये लॉन है और ये फ्रंट साइड वाला लॉन है। तो कुछ अलग अलग राउंड शेप में कुछ गुलाब के पौधे लगाए हुए हैं, उसके आगे भी और एक है राउंड शेप में कुछ स्ट्रक्चर बनाया हुआ और उसके। तो एक्चुअल में ये फ्रंट साइड है, तो एग्जैक्ट सामने से इस तरह से व्यू आता है। एक छोटा सा फाउंटेन बनाया हुआ है यहाँ पे और ये मेन एंट्रेंस है। जब भी कॉन्वोकेशन वगैरह सेरेमनी होती है तो यहाँ सामने की तरफ एक बड़ा सा मंडप पंडाल लगाया जाता है और उसका वो फंक्शन सेलिब्रेट होता है। ये जो मेन बिल्डिंग है उसके जस्ट लेफ्ट साइड में देखेंगे तो सामने है रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का जो सेक्शन है, डिपार्टमेंट, तो ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का ऑफिस बिल्डिंग। ये है केमिस्ट्री का सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटी। आज संडे है, सब बंद रहेगा। इंस्ट्रूमेंट्स के आगे ये नेक्स्ट बिल्डिंग है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिसर्च सेंटर, जिसका नाम दिया गया है गरवारे रिसर्च सेंटर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिसर्च सेंटर के जस्ट बगल में है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क, सिडैक नेशनल ट्रामा सुपर कॉम्प्यूटिंग फैसिलिटी। ये है वो बिल्डिंग। टेक्नोलॉजी पार्क वेजिटेशन काफी अच्छे से प्रिजर्व है पूरे कैंपस में। आप देखेंगे तो बहुत सारे पेड़ पौधे और वो प्रिजर्व है। नेक्स्ट जाएंगे तो और भी कुछ ऑफिसेस और जो रेसिडेंट्स होते हैं यहाँ पे जो पीएचडी करने आते हैं, तो ये आगे उनका रेसिडेंस एरिया है। मेन बिल्डिंग के फ्रंट से हम मोड़ के अभी सीधा आगे चलेंगे जो कि अनदर रोड है, खड़की कहलाता है। खड़की के साइड से जो एंट्रेंस है उस तरफ चलेंगे और उसके पहले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, तो स्पोर्ट ग्राउंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देख के फिर वापस आएंगे।
ये है वो स्पोर्ट्स ग्राउंड, आज कुछ क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पे, संडे है, कुछ क्रिकेट की मैच चल रही है या कुछ प्रैक्टिस भी, दो तीन टीम है अलग अलग टीम। ये अच्छा शॉट, बॉल मेरे तरफ ही आया, इसके पहले फील्ड हो गया। इस तरफ है सेंटर फॉर साइंस एंड एजुकेशन, एजुकेशन कैंपस ऑफिस। ये है इंडोर गेम्स, इस साइड में है पूरा स्पोर्ट ग्राउंड, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। यस, 5 जून 2022 को इनॉग्रेट किया है। खिड़की साइड से जब आते हैं ये उस तरफ से आने का रास्ता है, तो सामने आएगा वो है मेन बिल्डिंग। बाकी आज तो संडे है, सारा बंद है कैंपस, फिर भी हम इस तरफ जो है रेसिडेंट्स ऑफ ऑनरेबल वाइस चांसलर कुलगुरु निवास जिसे कहते हैं, आगे चल के देखते हैं कैंटीन है, अगर खुला है तो कैंटीन ट्राई करें। इस तरफ पोस्ट ऑफिस है यूनिवर्सिटी के अंदर का, ये पोस्ट ऑफिस। स्पीड पोस्ट भी है, सामने की तरफ कैंटीन है, लेकिन आज वो संडे के कारण बंद रहेगा। पोतार संकुल, पोतार संकुल एसोसिएशन कर्मचारी संघ, इकोनॉमिक सेक्शन, अर्थशास्त्र विभाग, इसका ऑफिस बिल्डिंग। ये है आर्ट्स फैकल्टी, वार्ड में विभाग। आगे आएगा डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स का बिल्डिंग ऑफिस। डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, जियोलॉजी सेक्शन, देन ये जियोग्राफी, भूगोल, भूशास्त्र। डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, उसका ऑफिस। ये आएगा मेन चौक, उसके अंदर है स्टैचू, तो ये कुछ पोल्यूशन का स्टैटिस्टिक्स दिखाने वाला एक बोर्ड लगा है।
रहेगा आज का, क्या है एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये है आज का स्टैटिस्टिक्स। इस तरफ है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड साइंस, उसके आगे है डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन। इस तरफ आगे चलेंगे, इधर है फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, एग्जाम सेक्शन, एडमिशन सेक्शन, बाबा जिम शाला, इंटरनेशनल स्टूडेंट सेंटर, फैकल्टी हाउस, इंटरनेशनल स्टूडेंट हॉस्टल, जेम्स हॉस्टल एंड आयुका NCR। चलो चलते हैं। तो इस तरह पे एग्जाम सेक्शन, ये पूरा बिल्डिंग है एग्जाम सेक्शन का। कुछ रेसिडेंस एरिया है। इस तरह पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फैकल्टी ब्लॉक। देख चुके हैं इस तरफ है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इस तरफ हॉस्टल्स है इंटरनेशनल स्टूडेंट हॉस्टल, स्टूडेंट हॉस्टल है। तो जस्ट घूमते घूमते कैंपस में कुछ स्टूडेंट्स या रिसर्चर्स मिल गए। तो ये है मिस्टर पाटिल, तो इन्होंने एक बाइक में ऑटो गियर के लिए कुछ मॉडिफिकेशन करके, और ये इधर फंडिंग है रिसर्च यूनिवर्सिटी का, इनका टाइप है, कुछ फंडिंग मिला है और दे आर डूइंग समथिंग ऑन दैट। थैंक यू गाइस। जस्ट सामने वाले साइड में ये है सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स, ललित कला केंद्र गुरुकुल। मेन एंट्रेंस से आने के बाद दो रास्ते हैं, लेफ्ट साइड हम देख चुके हैं, अभी राइट साइड से आगे बढ़े। ये जाता है आयुका 2.4 किलोमीटर। इस तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू है, लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, डिपार्टमेंट ऑफ पाली। चलो देखते हैं। सिटी ट्रिब्यूनल और विद्यापीठ महाविद्यालय न्यायाधिकरण, दिस इज ट्रिब्यूनल। ये मुद्रणालय, वाणिज्य विभाग, कॉमर्स डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स।
इमरजेंसी मेडिकल सेंटर हो रहा है। इस तरफ है सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी रिसर्च पार्क फाउंडेशन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेंटर दिस साइट द डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत। फिर से दो रोड आ रहे तो हम उधर नहीं जाएंगे, बायोमेट्रिक ओनली। एंड इस तरफ हम अभी आयुका के तरफ चलते हैं, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। अभी हम आए हैं खड़की से, जो औंध के तरफ ये जाता है ये रोड, उधर औंध है तो ये बैक साइड से और एक एंट्री है। तो अभी इस एंट्री से हम वापस चलते हैं, ये एंट्रेंस से आगे फिर से हम जाएंगे मेन बिल्डिंग की तरफ आगे। यहाँ थोड़ा सिक्योरिटी चेक पॉइंट होता है, तो उसके पहले आयुका एंड वो जीवो NCRF वगैरह जो डिपार्टमेंट्स है वो आते हैं, तो वो देख के फिर मेन बिल्डिंग की तरफ जाएंगे। इस तरफ है लिखा है आकाशगंगा, ये है आकाशगंगा। इसमें अंदर चलने बाद ये आकाशगंगा तो आज बंद है, इसके लिए एक QR कोड है उनका, आगे चल के दिखाएंगे। तो स्कैन करके अपॉइंटमेंट लेके आना होता है, उस वक्त तो पूरा दिखाते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स का ये कुछ स्ट्रक्चर बनाया है एस्ट्रोफिजिक्स वालों। तो चलते चलते हम पहुंच गए कैंटीन, यहाँ पे दे रहे हम पोहा, ऊपर से थोड़ा सांबार और वस्ता तरीके साथ, और ये कुछ स्टॉल्स है इस तरह से कैंटीन। और रेट्स देखेंगे तो काफी सस्ता है, इस कैंटीन को उच्च शिक्षा अभियान के तहत फंडिंग किया जाता है, इसलिए ये थोड़ा सस्ते में यहाँ खाना मिलता है स्टूडेंट्स के लिए। तो ये ब्लॉक अभी काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इसको अभी हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में नेक्स्ट टाइम। बाय।